लास्ट क्लास में बैंकिंग ऑफ रोड सिखाया था, याद है? याद है, यस सर, याद है। हाँ सर, विथ फ्रिक्शन और विदाउट फ्रिक्शन, शायद दोनों बताया रहा होगा। ऐसा कुछ बोलो। हाँ सर, बैंकिंग हाँ सर, ऑफ रूट्स में विथ फ्रिक्शन और विदाउट फ्रिक्शन दोनों बताया था ना। हाँ सर, विदाउट और विद फ्रिक्शन दोनों पर आता है। ठीक है, चलो आज हम लोग मोस्टली प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे थोड़े, ठीक है? कुछ ठीक प्रॉब्लम्स है सर। कर रहे हो तुम लोग बुक से? बुक से कुछ प्रॉब्लम किया है? सर स्टार्ट नहीं किया पर करना है अभी। चलो कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। फर्स्ट ये दिख रहा है सबको? लाइट फ्रेम, लाइट का मतलब मासलेस, ठीक है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन इन सेकेंड। तो दैट इज नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड। चलो कोशिश करो जल्दी, फास्ट, सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिनट का।
जल्दी बोलो हुआ। यस सर, 1/2 pi अंडर रूट टी नॉट बाय ml। और किसी को? सही आया। देखो इधर, तो मान लो ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो यहां पर जो टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा यही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। हाँ सर। तो टेंशन टी शुड बी एम ओमेगा स्क्वायर एल, है ना? तो ये टी नॉट से छोटा होना चाहिए, तो एम ओमेगा स्क्वायर बाई एल शुड बी लेस देन इक्वल टू टी नॉट होगा। सो एम शुड बी लेस देन इक्वल टू, सॉरी, ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट टी नॉट अपॉन एम एल, है ना? मतलब ये ओमेगा मैक्सिमम हुआ। यस सर। ओमेगा मैक्सिमम हो गया अंडर रूट टी नॉट अपॉन एम एल। तो ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर स्पीड है ना? तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम क्या हो जाएगा? अपॉन 2 pi। सो 1/2 pi अंडर रूट टी नॉट अपॉन एम एल, यही आंसर आया है सर। अपॉन 2 pi कहाँ से आया मतलब? अरे एंगुलर स्पीड है, तो एक रोटेशन में 2 pi एंगल होता है, तो वो रेडियन पर सेकेंड है, तो रेडियन पर सेकेंड को रोटेशन पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 2 pi से डिवाइड करोगे ना। हाँ सर। आया समझ में? यस सर। हाँ सर, समझे। बस एक सेकंड सर। तो इधर M और L को लाइक 2M और 2L तो नहीं लिया? मतलब? लाइक दोनों साइड पे है ना? तो दूसरे साइड का भी ड्रा कर लो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों को साथ में 2M और 2L करके नहीं ले सकते? नहीं, नहीं कर सकते। कैसे मतलब? कुछ भी क्यों करें? दोनों मास का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके इक्वेशन लिखो, सेम इक्वेशन आएगा। यस सर। सर स्टार्टिंग में हमने पहले t इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r किया और फिर हमने v को w बाय l को सब्स्टिट्यूट किया ना? क्या क्या? सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर होता है या एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, एक ही बात है। हाँ सर। वी के टर्म में लिखोगे तो एम वी स्क्वायर बाई आर, ओमेगा के टर्म में लिखोगे तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि वी आर ओमेगा के बराबर होता है। हाँ सर। आगे बढ़े? यस सर। चलो एक दूसरा थोड़ा सा इससे एक स्टेप, अच्छा क्वेश्चन है। कोशिश करो इसको। पहले इसका डायग्राम सोचो, डायग्राम ड्रॉ करो पहले, वो हो गया तब क्वेश्चन सॉल्व करना बाद का काम है, क्योंकि बहुत लोग इस क्वेश्चन को विजुलाइज नहीं कर पाएंगे।
डायग्राम ड्रॉ हुआ। डायग्राम समझ आया कैसा सर्कुलर मोशन है, क्या पाथ है? कुछ बोलना ही नहीं है तुम लोगों को, क्या करूं मैं? क्वेश्चन का डायग्राम समझ आया? सर फर्स्ट और सेकंड पार्ट का डायग्राम तो एक जैसे ही हो जाएगा ना? क्या फर्स्ट और सेकंड पार्ट का तो डायग्राम एक जैसे ही हो जाना चाहिए ना? क्या फर्स्ट और सेकंड पार्ट? सर क्वेश्चन मतलब दो अलग अलग, पहले इसको करो, सब एक साथ सोचोगे तो फिर बैठे रहोगे, पहले इसको करो। स्ट्रिंग का लेंथ एल एट एल है, जिसमें से दो पॉइंट एक वर्टिकल प्लेन में है 4L डिस्टेंस अपार्ट, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई है 4L। तो एक पोर्शन यहाँ फिक्स्ड है, एक यहाँ फिक्स्ड हो गया, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, रेडियस 3L है, यही कहानी है। यही कहानी है ना? हाँ सर। तो ये 3L 4L मतलब ये 5L होगा पक्का, तभी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। सर नीचे वाला 3L कैसे होगी, 4L ही होगा ना? क्वेश्चन पर क्वेश्चन और 3L के रेडियस में ऐसे घूम रहा है, ऐसा कुछ है? पढ़ लिया क्वेश्चन? हाँ सर, लेकिन अगर 8 टोटल लेंथ और 4 लेंथ पहले से नीचे है तो फिर बाकी का 4 लेंथ ही होगा ना? अच्छा सर, सॉरी सर, टोटल 8L 8L लेंथ है, तो यहाँ से धागा बांध के एक धागा का एंड यहाँ बांधा हुआ है, एक यहाँ बांधा और हॉरिजॉन्टल सर्कल कर रहा है, और टोटल 8 है, तो टोटल 8 है, तो धागा कहाँ से कहाँ तक, ये जो रेड वाली लाइन है ये एक धागा है, और यहाँ पर ये जो मास M का, इस पे एक रिंग अटैच किया हुआ है, तो इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, है ना? तो टोटल 8 है, वो 4 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 4 है तो 3 और 5 भी हो सकता है, और कैसे 8 होगा बताओ? हाँ सर, वो 4L को मैंने स्ट्रिंग समझा हुआ था, हम टोटल भी 8 होना चाहिए ना? यस सर। तो ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा था, आधा काम तो इसको ये करने का। अब मैं खाली फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद तुम लोग खुद सॉल्व करो। तो इसका वेट mg इधर लगेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग T इधर लगेगा, इतना ही टेंशन टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर लगेगा, है ना? ये बात समझ आई कि ये दोनों टेंशन सेम होगा? यस सर। क्यों सेम होगा? सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग तो ठीक है, बट यहाँ पर अगर बांधा हुआ होता, टाई किया होता तो अलग अलग टेंशन होता, बट जस्ट थ्रेडेड, उसके बीच से पास किया है, इसीलिए एक ही टेंशन होगा। तो ये हो गया टी कॉस थीटा और ये हो गया टी साइन थीटा, ठीक है? सॉल्व कर लोगे? टी कॉस थीटा एम जी
और टी साइन थीटा प्लस टी ये एम वी स्क्वायर बाय आर है ना। सो एम वी स्क्वायर बाय आर, आर मतलब थ्री एल। तो पहले ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन करो। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या है, रिंग इज देन टाइड, टाइड मतलब बांध दिया गया, तो बांध दिया गया तो अब टेंशन अलग अलग होगा। यस आई बात समझ में। सो इस केस में टेंशन विल बी डिफरेंट इन ईच पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग। तो ये सेकेंड बी पार्ट है, इस पर बाद में, पहले ए पार्ट की कोशिश करो। रेडियस थ्री एल होगा, ये कैसे पता चला? कोशिश करो, खुद कोशिश करो, तुम लोग को रेडीमेड बता। दोनों का सम एट है, ये पक्का है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये पक्का है, और ये फोर है पक्का है। हाँ सर। तो ये तीन इंफॉर्मेशन सफिशियंट है कि ये थ्री है और ये फाइव है बताने के लिए। सम टोटल एक्स है, कर दे, चलो कर देता हूँ, कैसे पता चला? समझ गया, समझ गया। आग नहीं लगाते हो तुम लोग, नहीं यार इसको पढ़ाई नहीं कहते हैं। इतना रेडीमेड ढंग से पढ़ने से कोई मीनिंग नहीं है। ये 4l है, ये नहीं मालूम कितना है, तो लेट इट बी x। इन दोनों का सम 8 है, तो ये 8 माइनस x होगा। हाँ सर। सो 8 माइनस x स्क्वायर 8l माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। जैसे ही 4L दिख गया तो 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो यहां से x की वैल्यू तुम्हें 3L मिलेगी, समझा कुछ? यस सर। जल्दी फास्ट ए और बी दोनों सॉल्व करके बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये।
आया आंसर, वी और टी ढूंढना है। अरे बाबा चल देख देखो देखो सिर्फ देखते देखो सिर्फ तुम लोग। ये थीटा कितना होगा? 37 डिग्री होगा, होगा तो ये क्या हो गया? टी कॉस 37 डिग्री इज एम जी, सो टी की वैल्यू हो गई 5/4 mg। टेंशन इन द स्ट्रिंग हो गया, बी वाले में आओ, टी इंटू 1 साइन थीटा इज इक्वल टू एम अपॉन 3L इंटू वी स्क्वायर। तो 53 डिग्री होगा ना? सो टी को लिख दो 5/4 mg, 1 sin 37, 3/5 इज इक्वल टू एम अपॉन 3L इंटू वी स्क्वायर। 5 + 3 = 8, तो 5/4 × 8/5 mg इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 3L। 5 गया, 4 × 2 = 8 गया, m m गया, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 3 × 2 = 6, 6 GL, ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में? आया समझ में कुछ? हाँ सर, मेरा भी यही है, यही पूछा था ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द स्पीड ऑफ द रिंग। यस सर। चलो बी पार्ट करो, द रिंग इज देन टाइड एट मिडिल पॉइंट, तो अब मिड पॉइंट पे रिंग को बांध दिया है और फिर हॉरिजेंटल सर्कल करा रहा है विथ दिस स्पीड, तो टेंशन इन ईच पार्ट, दोनों पार्ट में टेंशन बताना है। करोगे खुद से? ट्राई करते हैं, कोशिश करो, इसको कॉपी करो और बी पार्ट कोशिश करो खुद से करने का।
सर आई थिंक मुझे आ गया क्या या सर टी वन मेरा एमजी रूट टू आ रहा है दो टेंशन आएगा ना हाँ सर एक टेंशन उसमें से रूट टू एमजी आ रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स की तरफ वाला नहीं चलो देखो इधर ये दो पॉइंट है ए और बी इसके बीच का गैप है 4L yes, और स्ट्रिंग मेरा टोटल 8L लेंथ का है एक एंड यहां है और दूसरा एंड यहां है और ये लिखा है क्वेश्चन में कि मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग है मतलब ये 4L होगा और ये भी 4L होगा मतलब ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा बोलो यस सर तो ऐसे किसी सर्कल में ये मूव कर रहा होगा होगा तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो ये 60 डिग्री होगा मतलब ये 60 डिग्री होगा ये रेडियस आर किसके बराबर होगा 4L साइन 60 डिग्री के हो गया ऐसा हाँ सर दैट इज रूट थ्री एल बाई टू ये रेडियस हो गया अब टेंशन इन द स्ट्रिंग इसमें मान लो टी वन है और इसमें मान लो टी टू है और यहां पर mg होगा तो ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री हो गया ऐसा तो यहां से मिलेगा t1 प्लस t2 इंटू साइन 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r ऐसा मिलेगा और टी टू माइनस टी वन कॉस 60 डिग्री ये एमजी के बराबर होगा ये दोनों इक्वेशन और डायग्राम जिसको समझ नहीं आया बताओ आर आर टू रूट थ्री एल नहीं होगा हाँ टू रूट थ्री एल होगा सही बोल रही हो तो साइन 60 का वैल्यू पुट करो तो रूट थ्री बाई टू होता है ना तो ये हो जाएगा रूट थ्री बाई टू तो टू रूट थ्री एल ऐसा हो
जल्दी से इन दोनों को सॉल्व करके टी वन टी टू बताओ। सर टी टू हाफ एम जी होता। V का वैल्यू दिया हुआ है, V का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाप रे तुम लोग क्या हो, नहीं होंगे समझ ही नहीं आता। हाँ सर दिया है, ये दिख रहा है। तो V स्क्वायर 9GL होगा, तो M इंटू 9GL MV स्क्वायर हो गया और रेडियस हो गया 2√3L। तो ये L गया, तो ये हो गया 9mg अपॉन 2√3। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया T1 प्लस T2 इंटू साइन 60 दैट इज √3/2 इज इक्वल टू 9mg अपॉन 2√3। तो यहां से मिल गया T1 प्लस T2 इज 3mg। मिल गया yes. cos 60 1/2 होता है। हाँ सर। तो यहां से मिल गया T2 माइनस T1 इज 2mg होगा। हाँ सर। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो T1 T2 क्या मिलेगा, सर T1 5/2 और T2 1/2mg। T2 5/2mg, दोनों को ऐड करो, T1 कैंसिल हो गया होगा और T1 mg/2 ये आपका आंसर हो गया। लिख लो जल्दी समझ के। आगे बढ़े सर, बस एक सेकंड, बस देख रहा हूँ। हाँ सर हो गया, हो गया सबका। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो। सबने लिख लिया? यस सर। ये करो एक थर्ड क्वेश्चन।
सिमिलर है एकदम, डायग्राम भी दिया हुआ है, मैं चाहता हूं इसमें कोई गलती मत करो।
बोलो आया कुछ? सर सर एक सेकंड कर रहा है सर। फोर के जी का 40 न्यूटन इधर, इस स्ट्रिंग का टेंशन इधर, इस स्ट्रिंग का टेंशन इधर, ये एंगल अगर थीटा है, इस टेंशन को बोल दो T1, इसको बोल दो T2, तो ये एंगल भी थीटा होगा, कॉमन सेंस है, होगा? यस सर। ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा, तो सेम स्टोरी जो पहले था वही कहानी कहेंगे। T1 + T2 साइन थीटा is equal to mv square by r. Yes sir. और यहां पर T1 - T2 cos theta is equal to 40, यही है ना? Yes, sir. ये 1 है, चलो देखो तो मुझे इस ट्रायंगल में ये 1 है, ये थीटा है, ये 1.25 है ना? तो इसमें से कॉस थीटा क्या मिलेगा, 1/1.25 मिलेगा, दैट इज 100/125, दैट इज 4/5, दैट इज 53 डिग्री, थीटा मिल गया। बोलो। यस सर। ये 53 डिग्री मिल गया, तो ये 53 डिग्री मिल गया, तो ये रेडियस कितना मिलेगा? साइन 53 इज R/1.25 होगा, तो रेडियस में मिलेगा 1.25 sin 53 degree, दैट इज 5/4 × sin 53 degree, 4/5, तो रेडियस 1 meter हो गया। हुआ? यस सर। तो सॉल्व करो इसको, अभी क्वेश्चन वैल्यू पुट करो, T1 + T2 sin 53 मतलब 4/5 इज इक्वल टू mv² / r, तो m4, v मालूम नहीं, रेडियस 1, ऐसा होगा? यस सर। दैट इज T1 + T2 is 5v² ऐसा मिल गया। यहां से आओ, वन ऊपर वाले को, तो यहाँ T1 - T2 होगा, तो T2 - T1 ना, सो T1 - T2 × 3/5 is equal to 40,
ऐसा होगा। यस सर। सो टी वन माइनस टी टू इज 200/3। तो ये एक इक्वेशन हो गया और ये एक इक्वेशन हो गया। क्या ढूंढना है बताओ। टेंशन इन अपर स्ट्रिंग इज 60, मतलब टी वन 60 है, टी टू चाहिए, है ना? तो टी टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 200/3 हो गया ऐसा। तो टी टू नेगेटिव आ रहा है, तो टी टू नेगेटिव आ रहा है मतलब स्ट्रिंग स्लैक है, या कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है तो दिखाओ एक बार, पूरा एक साथ देखने दो, कहीं नाच वास लिखने में दिक्कत हुई होगी तो पता चल जाएगी। cos थीटा 4/5, थीटा 53 डिग्री, ठीक है। और टी वन कॉस थीटा ऊपर, टी टू कॉस थीटा नीचे, तो टी वन माइनस टी टू कॉस थीटा इसके वेट एम जी के बराबर होगा 40, ये भी सही है। रेडियस मान तो 4v² तो 5v² ये भी चलेगा। T1 माइनस T2 cos थीटा दैट इज 3/5 इज 40, तो 200/3 ये भी चलेगा। तो T1 60 है, टेंशन इन द अपर स्ट्रिंग इज 60, तो T1 60 है, तो T2 60 माइनस 200/3 तो नेगेटिव आ रहा है, कुछ गड़बड़ होगा। T1 माइनस T2 cos थीटा इज mg, यहां तक सही है। नहीं 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 यहाँ पे गलत किया है शायद मैंने। cos थीटा 4/5 37 की वैल्यू होती है ना। यस सर। यहाँ पे गलत दिख रहा है, cos थीटा 4/5 37 डिग्री की वैल्यू होती है, बाकी सब सही है। ये सब वैल्यू केवल, तो cos थीटा 4/5 में थीटा 37 डिग्री होगा, तो यहां पर 37 डिग्री होगा, यहां पर 37 डिग्री होगा, सॉरी ये वाला 37 डिग्री 3/5 होता है, तो ये रेडियस 3/4 होगा, 1 नहीं होगा, तो रेडियस 3/4 होगा, ये गलती हुई थी। इधर आ जाओ, यहां पर साइन 37 3/5 होगा, तो पहली चीज तो ये 3/5 होगा, दूसरी चीज mv² / r, तो m4v² r कितना आया है 3/4, सो 3/4, तो 3 नीचे 4 ऊपर ऐसा, तो 4 जा 16, 16 5 जा 80, 80/9 होगा ये, 5v² नहीं 80/9v² होगा ये, तो ये 80/9v². इधर हो जाएगा मेरा T1 माइनस T2 इंटू cos 37 4/5, तो ये 4 हो जाएगा,
तो 4 से 10 तो ये 50 हो जाएगा 200 बाय 3 की जगह। तो ये हो गया 50 और T1 60 है तो T2 इज 60 माइनस 50 दैट इज 10 न्यूटन आंसर। ठीक है कॉपी कर लो जल्दी से। T1 प्लस T2 की वैल्यू पुट कर दोगे तो V भी मिल जाएगा। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट पूछा है ना तो V मिल जाएगा तो V अपॉन R ओमेगा हो गया। चमक रहा है कुछ लिखो जल्दी से लिखो इसको करो फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया, आगे बढ़ू आगे बढ़ू, लिख लिया yes. कोई डाउट किसी को? इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो कुछ बोलोगे? यस सर, समझा। अच्छा समझा, कुछ पूछना है इसमें? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो कोई इजी क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तो आसान थोड़ा ज्यादा है। ठीक है चलो, एक ये करो, ये रिलेटिवली थोड़ा इजी होना चाहिए। चलो डायग्राम के साथ देता हूं। दिख रहा है? कोशिश कीजिए इसको। डायग्राम क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट आप लोग विजुलाइज नहीं कर पाते हो, इसके लिए दिया। वर्क पावर एनर्जी हो गया तुम लोगों का? सर दो ही लेक्चर हुआ। हाँ सर दो लेक्चर हुआ, पर दूसरा लेक्चर बराबर से नहीं होता। दूसरे लेक्चर में एक ही क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है चलिए इसको कीजिए। सर एक ही लेक्चर हुआ।
आया कुछ बोलो। सर 2 मिनट बस। तो आधा सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम में। देखो एक लाइन का काम है, दिख रहा है कि टी कॉस थीटा स्मॉल एम जी के बराबर होगा और यस टी की वैल्यू कैपिटल एम जी के बराबर होगी। सर, पक्का? यस सर, तो इन दोनों से हम ये लिख सकते हैं कैपिटल एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम जी। तो यहां से मुझे मिल गया कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। ये एक इक्वेशन मिला। यस सर, यहां से आ जाओ तो टी साइन थीटा सर्कुलर मोशन का इक्वेशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यस सर, यस सर, इस ट्रायंगल में ये जो रेडियस आर होगा, ये रेडियस आर कितना होगा? एल साइन थीटा होगा, एल साइन, होगा यस सर, तो यहां पे पुट कर दो। तो टी की जगह कैपिटल एम जी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम। अच्छा इसको लिख देते हैं ऐसा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, तो स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर आर दैट इज स्मॉल एल साइन थीटा। तो हाँ सर, हाँ ये साइन थीटा गया, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर इज कैपिटल एम जी अपॉन स्मॉल एम इंटू एल, ऐसा कुछ। सर, एल साइन थीटा कैसे आया? इस ट्रायंगल में ये लेंथ एल है, ये एंगल थीटा है, तो रेडियस एल साइन थीटा नहीं होगा। हाँ सर, हाँ सर, तो फिर कॉस थीटा जी बाय एल होगा। क्या क्या बोल रहे हो?
क्या जी का यूनिट है, क्या एल का यूनिट है, क्या बोल रहे, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। सो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ओमेगा बाई टू पाई होगा, दैट इज वन बाई टू पाई अंडर रूट कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एल, ये आपका आंसर होगा। इसे हम लोग एम बाई स्मॉल एम को सेक थीटा लिख सकते हैं ना, लिख लो, लिख सकते हैं, वो कर सकते हैं। आंसर जिस किसी के टर्म में दिया हो, क्वेश्चन में कैपिटल एम स्मॉल एम लिखा है, कैपिटल एम स्मॉल एम एल थीटा दिया हुआ है, तो इसमें से किसी भी फॉर्म में बता सकते हैं, ये आंसर होगा। थीटा के फॉर्म में बताना चाहते हो तो कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम को सेक थीटा लिख दो, तो इसका दूसरा आंसर ये भी लिख सकते हो, वन अपॉन टू पाई अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा, ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो। आया समझ में? हाँ सर, हाँ सर, yes. समझा। आगे बढ़े जल्दी। सर हो गया, हो गया, हाँ सर, ठीक है। क्या हुआ सर? चलो एक ये क्वेश्चन करो, दिख रहा है सबको? हाँ सर, कोशिश कीजिए। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। ए तो यूनिफॉर्म का है, बी है नॉन यूनिफॉर्म का, क्योंकि बी में देखो एंगुलर स्पीड इंक्रीज करता है। चलो पहले ए करो फिर बी करना।
बोलो, फर्स्ट वाला हुआ। अच्छा ये एक रूलर है, जो रूलर इस सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, यही कहानी है। तो ये रूलर इस सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है और इस रूलर रूलर पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये जब मूव करेगा तो इस ब्लॉक को, ब्लॉक तो सर्कुलर मोशन में होगा, इस ब्लॉक को सेंट्रिपिटल फोर्स कौन देगा, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन देगा। हाँ सर, और कोई दूसरा फोर्स है नहीं, एमपी वर्टिकली डाउनवर्ड है और नॉर्मल इस पर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल जस्ट इसके ऊपर है, दिखा नहीं सकते इसीलिए, समझ रहे हो। हाँ सर, हाँ सर। तो ये फ्रिक्शन होगा मेरा, एम मैक्सिमम एंगुलर स्पीड पूछा है, ओमेगा स्क्वायर लेंथ एल, ऐसा होगा। और फ्रिक्शन म्यू एम जी से ज्यादा हो नहीं सकता। यस सर, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर एल इज लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, सो ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी अपॉन एल। तो यही मैक्सिमम एंगुलर स्पीड होगी ना, अंडर रूट म्यू जी अपॉन एल। इससे ज्यादा स्पीड से अगर ट्रेवल करेगा एंगुलर स्पीड से तो ये स्लिप कर जाएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स फ्रिक्शन दे ही नहीं पाएगा। ए पार्ट का ये समझ आया, कॉमन सेंस है। यस सर। ए पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। बी पार्ट देखो, अब कह रहा है कि तो ए पार्ट में ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में था, बी पार्ट में इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी है ना, बोलो। बी पार्ट में इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी है। यस सर। तो बी पार्ट में मुझे सर्कुलर पाथ पर दो फोर्स चाहिए होगा, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स जिसकी वैल्यू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर होगी, है ना। यस सर। और दूसरा रेडियल डायरेक्शन में फोर्स जिसकी वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर एल के बराबर होगा। Yes, sir. तो ये दोनों फोर्स कौन देगा, फ्रिक्शन देगा, तो और तो कोई फोर्स है नहीं। फ्रिक्शन इस तरह से एक्ट करेगा कि फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है और दूसरा कंपोनेंट टेंजेंशियल फोर्स दे रहा है। यस सर।
तो इस केस में हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन इज इक्वल टू इन दोनों का रिजल्टेंट दैट इज अंडर रूट मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस मास एम इनटू ओमेगा स्क्वायर एल का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसा होगा यस सर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा होता है तो एम इंटू एल इंटू अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एम जीरो से चलना शुरू किया तो किसी टाइम टी के बाद है ना एट व्हाट एंगुलर स्पीड द ब्लॉक स्लिप मतलब ओमेगा चाहिए मुझे। अच्छा ओमेगा चाहिए तो टाइम को छोड़ दो ओमेगा ही रहने देते हैं तो एम ओमेगा स्क्वायर एल का होल स्क्वायर ऐसा होगा। तो जब स्लिप करेगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स फॉर ब्लॉक टू स्लिप स्लिप कब करेगा जब ये फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो जाएगा म्यू एन से ज्यादा हो जाएगा तभी करेगा ना यस दैट इज एम एल अल्फा स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल का होल स्क्वायर दिस इज ग्रेटर इक्वल टू म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर। ऐसा होगा यस सर। तो बस हो गया एम स्क्वायर सब में से हटा दो तो ये हो गया एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा फोर एल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। सो ओमेगा फोर एल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। एल स्क्वायर को भी हटा दो ओमेगा फोर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू जी बाई एल का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर होगा। सो जिस ओमेगा पर स्लिप करेगा वो वैल्यू हो जाएगी म्यू जी अपॉन एल का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर टू द पावर 1/4। ये आंसर होगा। आया समझ में कुछ? तो आज कुछ सर्कुलर मोशन के डिफिकल्ट सम किए ताकि बुक बुकलेट जब सॉल्व करने की कोशिश करो तो सब कुछ तुम्हें आसान दिखे। जल्दी से कॉपी कर लो। सर वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एल अल्फा कैसा आया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा होता है सर्कुलर मोशन के पहले लेक्चर में पढ़े थे तो यस सर। क्या हो गया फिर? तो कुछ नहीं ओके ओके सर कुछ समझा। नहीं नहीं समझा सर समझा। समझा ही नहीं। देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा पहले लाइन में ही था यस सर सॉरी। तो जल्दी से तो कॉपी कर लो जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हैं। सर और एक बात पूछनी थी, जो बोल। फ्रिक्शन होता है हम उसे लाइक जो फोर्सेस हमें चाहिए होते हैं उसके हिसाब से उसका डायरेक्शन लेते हैं। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जब जिधर जरूरत होगी उधर एक्ट करेगा। ओके सर। बाय सर थैंक यू। या बाय। थैंक यू सर। बाय सर। या बाय।